जी अच्छा, लिंक लिस्ट भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में आता है जी, और इसके भी कुछ एक डेटा स्ट्रक्चर है और इसके अपने एसोसिएटेड ऑपरेशंस भी हैं सारे। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले आपने समझनी है लिंक लिस्ट में, ठीक है। बाकी क्यूज में और स्टैक्स में तो आपने देखा कि उसमें डेटा फिजिकली आप एक ही प्लेस के ऊपर स्टोर करते हैं, ठीक है। मैं साथ कुछ डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको चीज समझ आ जाएगी। जैसे ये अगर आपने एक स्टैक बनाया है, ठीक है, उसके अंदर फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह उसके ऑपरेशन चलते हैं, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड से उसमें जाते हैं। इस तरह अगर आपने क्यू बनाई है तो उसमें भी आपके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड से जितनी भी टास्क होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये डेटा जो है ना कंसेक्यूटिव लोकेशंस के ऊपर स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, लिंक लिस्ट क्या करता है जी, ये बनाता है डिफरेंट नोड्स, ठीक है। आपको पहले पता हो जी नोड क्या चीज होती है। नोड लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट को स्टोर करेगी, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब वो टाइप ऑफ नोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको इंटीजर बनाया है, स्ट्रिंग बनाया है, ये क्या बनाया है, ठीक है। अगर वो इंटीजर टाइप है तो आपने कोई नंबर स्टोर कर लिया और उसके साथ यू विल हैव टू स्टोर इट्स पॉइंटर एज वेल। ये एक साथ पॉइंटर वैल्यू होती है विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड, ठीक सर, है। नोड वेरिएबल होता है। अच्छा, नोड नहीं, नोड हम एक प्लेस है क्रिएट करते हैं, ठीक है, एरेस की मदद से ये क्रिएट होती है, ठीक है। और जस्ट लाइक वेरिएबल आप समझ लो, लेकिन इसमें आप दो चीजें तीन चीजें वो आप डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की नोड बनाई है। कुछ नोड्स में आप दो दो पॉइंटर्स भी कर लेते हो, ठीक है, स्टोर कर लेते हो, और कुछ में एक पॉइंटर और एक उसमें डेटा एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपने तो ये नोड प्रॉपरली जनरेट होती है, इसका पूरा एरे बनता है। ये समझ लो दूसरी नोड है, ठीक है, ये एक और नोड है जी। हर नोड में डेटा भी होगा और साथ क्या होगा, पॉइंटर भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी, इसमें आपके पास 30 पड़ा हुआ है, इसमें जी 35 है, कुछ डिफरेंट नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो नोड थी, ये स्टार्ट जो हो रही थी 1 से हो रही थी, ये सेकेंड वाली नोड है, और ये कौन सी है, थर्ड वाली नोड है, ओके। अच्छा, आपने अगर ये जो फर्स्ट वाली नोड है अगर ये सेकंड को पॉइंट कर रही है तो इसके पॉइंटर वाले में ये 2 पड़ा होगा, क्या दैट मींस कि ये सेकंड नोड को पॉइंट कर रही है, और इसके सेकंड वाली अगर थर्ड को पॉइंट कर लिया तो इसके पॉइंटर में 3 पड़ा होगा, ये वाला, दैट मींस कि ये इसको पॉइंट कर रही है। और अगर थर्ड नोड के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, दिस वाज द फाइनल वैल्यू, तो ये एक नल पॉइंटर इसको असाइन किया जाता है, जो कि इंडिकेशन है कि दिस नोड इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी अदर नोड, ठीक है, ये आखिरी वाली है। तो नल से कंप्यूटर को आइडिया हो जाता कि ओके ये एंड ऑफ द लिस्ट है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें आपने अच्छा एक आपने और देखा होगा, नल पॉइंटर भी हो गया, एक स्टार्ट पॉइंटर है, यानी ये आपकी जो लिस्ट है कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो जैसे इस केस में हम स्टार्ट पॉइंटर जो है, मैं स्टार्ट पीटीआर शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ मैंने 1 रखा हुआ है, यानी 1 से ये लिस्ट लिंक लिस्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जैसे ट्रेन नहीं होता, और ट्रेन डिफरेंट उसके वो डिब्बे होते हैं, ठीक है, तो वो हर एक दो अपने से अगले के साथ एक लिंक होता है, ठीक है, ओके। अब अगर इसमें आप जी चाहते हैं कोई और नोड आप इसके दरमियान में लेके आना चाहें, ठीक है, इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये नोड एक आपके पास फ्री थी नोड, ओके, और इसका नंबर कुछ भी था, ठीक है ना,
अब हमें नंबर डजंट मैटर कि ये नोड किस पोजीशन के ऊपर थी, हो सकता है ये 50th पोजीशन के ऊपर हो, नंबर 50 नोड हो जो कि अभी फ्री थी, क्या अवेलेबल थी, तो आगे अच्छा अब क्या था जी, इसके अंदर पहले आपने वो डेटा डाला, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर डेटा 27 डाल लिया, ये डेटा है जो मैं यहाँ पे ये 27 लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये जो मैंने नीचे लिखा है ये नोड नंबर है, ये उसका एड्रेस है, ठीक है ना, कि 50th नोड है जी, 30th, जैसे एरे एलिमेंट होते हैं ना, इंडेक्स उसका होता है ना, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड है, ये थर्ड एलिमेंट को शो कर रहा होता है एरे में, इसी तरह ये नोड्स के भी नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एरे से ही जनरेट होती है, हर एक को एक नंबर असाइन होता है, तो ये 50th अगर अवेलेबल थी और आप चाह रहे हो जी कि ये अब क्योंकि जो नंबर है दैट शुड कम बिटवीन ये 25 और 30 के दरमियान अगर आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, नोड शॉर्ट्स को मूव नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू मूव जस्ट देयर पॉइंटर्स, ठीक है, अब कैसे पॉइंटर मूव करेंगे, अच्छा जी मैं पिछले अरेज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको, मुझे पहले इसका पॉइंटर उड़ाना है ये, ठीक है, और अब इसको न्यू नोड का देना है, यानी अब ये 50th को पॉइंट कर रही है, यानी ये इसको पॉइंट करना शुरू हो गया, यानी इसके बाद ये नंबर है, ठीक है, और ये जो न्यू नोड थी ये किसको पॉइंट कर रही है, अब ये 2 को पॉइंट करना शुरू हो गई है, ऐसे तो ये ऑटोमेटिकली एलिमेंट इसके दरमियान में इंसर्ट हो गया, ठीक है, तो इसमें कोई भी नोड्स को मूव नहीं करते, हम सिर्फ उनके पॉइंटर्स चेंज करते हैं, ठीक है, अच्छा इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, आपके खैर अभी इसमें AS लेवल में नहीं है, तो थोड़ी सी होती है, ट्रिकी होती है, लेकिन उसमें आपको एडवांटेजेस बहुत मिल जाते हैं, ठीक है, यानी आप फिजिकली डेटा मूव नहीं करता, जस्ट उनके पॉइंटर्स मूव करते हैं, ठीक है, और नोड्स जो हैं वो कहीं भी पड़ी हो आप उनको इजीली अरेंज कर सकते हैं बाय मूविंग देयर पॉइंटर्स ओनली, ठीक है, अच्छा अभी इन केस के आपने, अच्छा जी इसको मैं उड़ा दिया और अपना उसका प्रीवियस जो स्टेटस था वो हम दोबारा से ले आते हैं, ये 2 को पॉइंट कर रही थी, ओके, अब अगर यूजर चाहता जी कोई डेटा एलिमेंट मैं उड़ा दूं, जैसे ये मैं चाहता हूं जी कि बीच में से नोड को मैंने, ये डेटा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो अब इस नोड को बीच में से कैसे स्किप करना है, तो ये भी देख लें, तो इसमें आप ये टेक्निक अप्लाई करेंगे अब कि सबसे पहले जारी बात है इसका पॉइंटर हमें रिमूव करना होता है, ठीक है, ये हो गया और इसका पॉइंटर भी रिमूव कर दिया, ओके, और अब आपने फर्स्ट नोड को कौन सा पॉइंटर दें, अब आप खुद मुझे बताएंगे, अब इसको पॉइंटर 3 मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसने नोड 3 को अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, That's it. ये जो है आपका वो एक नोड जो है बीच में से डिलीट हो गया, ठीक है, बाईपास कर दिया आपने, ठीक है, उसका पॉइंटर, तो ये जी कैसे डेटा आपने इंसर्ट किया इसके अंदर और किस तरह रिमूव किया, जस्ट आपने थोड़े से पॉइंटर्स को चेंज किया, तो इसके अंदर ये जी सारी उसने यहां पे आप देख लें डिटेल आपकी अवेलेबल है, ठीक है, एक स्टार्ट पॉइंटर है जी, स्टार्ट ऑफ द नोड है, और नोड में आपको दो दो चीजें नजर आ रही होंगी, डेटा और उसका साथ पॉइंटर, ठीक है, फिर नेक्स्ट में उसने यहाँ पे बताया जी किस तरह एक इंसर्ट करना है, अगर स्टार्ट ऑफ द लिस्ट आपने कोई न्यू नोड इंसर्ट करनी है, जारी बात है कोई न्यू डेटा आइटम आप इंसर्ट जब करना चाहते हैं तो आपको पूरी नोड इंसर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, उसके लिए तो आपने क्या किया, स्टार्ट पॉइंटर जो पहले बी को पॉइंट कर रहा था अब वो इसको पॉइंट करना शुरू हो गया, ठीक है, अच्छा एक बच्चा और जी एडमिट हो रहा है, जो स्टार्ट पॉइंटर था अब इसको पॉइंट करना शुरू हो गया और इस न्यू नोड का पॉइंटर जो है वो इस नोड को पॉइंट करना शुरू हो गया, तो इस तरह एक डेटा एलिमेंट जो होता है वो इंसर्ट हो गया है एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, ठीक है,
और एट द एंड ऑफ द लिस्ट अगर आपने इंसर्ट करना हो तो आपने सिंपली यहां पे था पहले नल पॉइंटर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब उस नल पॉइंटर को रिमूव कर दिया गया और इस नोड का जो भी एड्रेस था ना, फॉर एग्जांपल इसका G5 था, तो अब उसने क्या किया, इसको रिमूव किया और इसको 5 दे दिया, ठीक है। अब ये 5 को पॉइंट करना शुरू होगी और उसमें आप डेटा एलिमेंट डाल दें और इसका जो नल पॉइंटर था वो अब यहां पे मूव हो गया, यानी अब ये लास्ट वाली नोड है, ठीक है जी। और अब यहां पे वो बाईपास वाला मैंने आपको बताया था किस तरह पॉइंटर जो है ये स्किप करते हैं, ठीक है। इसका पॉइंटर हटा के अब ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना शुरू होगी, ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर। तो पहले अगर ये 1 थी नोड, ये 2 थी, ये 3 थी, 1 को स्किप कर दिया तो स्टार्ट में आपने 2 दे दिया कि भाई मेरी लिस्ट अब 2 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 1 वाला नोड जो है वो बीच में से स्किप हो गया, तो ये जी आपकी हो गया कि किस तरह उसमें नोड क्या होती है, इसका पॉइंटर क्या होता है, इसका स्टार्ट पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर क्या होता है, किस तरह डेटा उसके अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है, किस तरह उसके अंदर से डेटा को डिलीट करना है, किस तरह शुरू में इंसर्ट करना है, किस तरह आखिर में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये होपफुली आपको इसका आइडिया हो गया होगा, ये इन बिटवीन कहीं पे इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, और इन बिटवीन कहीं से डिलीट कर रहा है, तो अब आपको इसका आइडिया हो चुका है, ठीक है। तो ये जी यहाँ पे उसने पूरा एक साथ देखें डेटा एलिमेंट्स उसने शो किए हुए हैं, ये डेटा एलिमेंट, ये साथ देखो ये पॉइंटर हो गए, ठीक है ना, ये साथ साथ उसके वो शो करता जा रहा है, ठीक है, ये इसका पॉइंटर है। अब वो कह रहा है जी स्टार्ट अगर आपने चेंज करना है, ठीक है, 3 से शुरू करना है तो ओके, ठीक है जी, 3 से स्टार्ट हो सकता है, 1 की जगह आपने 3 लिख दिया तो स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो होगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसको जरा सा आपने रीड कर लेना है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड जी कि क्या इसमें हो रहा है। जैसे वो सारी चीजें ऊपर उसने सिर्फ पॉइंटर जो चेंज कर रहे हैं वो आपने अप्रोप्रिएट पॉइंटर उसके अंदर एड कर देना है, ठीक है, पॉइंटर की प्लेस के ऊपर। इसमें ये सारी उसने डिटेल बता दी, आप आराम से ये सारा कर सकते हैं। सर ये फ्री लिस्ट वाला बता समझा दे, कौन सा वाला जी? फ्री लिस्ट, हाँ फ्री लिस्ट पॉइंटर होता है जी कि ये इस वक्त फ्री अवेलेबल है, यानी इसके अंदर अब आप डेटा अपना इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो होती है फ्री लिस्ट पॉइंटर। यानी थर्ड वाली जो नोड है दैट इज अवेलेबल टू इंसर्ट डेटा, ठीक है, बस ये फ्री होती है।